सब्सक्राइब कीजिए पुरानी गाड़ी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम टू पुरानी गाड़ी .com। गाइज आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। गाइज बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है एक्चुअली महिंद्रा स्कॉर्पियो और बुलेरो कार के लिए। तो ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है वो दिल्ली नंबर है और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत शॉकिंग प्राइस है। मात्र जो इसकी डिमांड है वो केवल मेरे पास आई है केवल 2.5 लाख रुपए में। गाइज केवल 2.5 लाख रुपए में ये स्कॉर्पियो आप अपने घर ले जा सकते हैं। और बताना चाहूंगा ये जो मॉडल नंबर है वो है 2009 और जो गाड़ी चली हुई है केवल 1,70,000। गाइज मैं बताना चाहूंगा बहुत ही जानदार कार है और जो इसके विद एसेसरीज के साथ कंप्लीट कार है। गाइज चारों टायर्स एलॉय व्हील टायर्स हैं और डीजल के अंदर कार है। आप देख ही रहे हो जो आपके विंडोज हैं उनके ऊपर जो है ना जो पूरा एसेसरीज का यूज हो रखा है प्रॉपर गाड़ी के। और आप चारों तरफ से गाड़ी देख ही रहे हो, इंश्योरेंस वाइज गाड़ी कंप्लीट है ही, इंश्योरेंस पेपर गाड़ी के कंप्लीट है ही। और जो है ना गाड़ी जो है ना परफेक्ट कंडीशन में दिख रही है। बॉस मैं तो कहूंगा फटाफट इसे परचेज करिए। जो लोग भी जिनके यहाँ फैमिली जो बड़ी है, मतलब ज्यादा फैमिली मेंबर्स में ज्यादा लोग हैं, अगर 7 से 8 लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी कार है। और अगर आपका बजट अगर 2.5 लाख रुपए या 2.5-3 लाख रुपए तो मैं तो कहूंगा बॉस अपने घर ये स्कॉर्पियो कार ले जाइए, क्योंकि अभी पूरे पूरे 4 साल या 5 साल आप इस स्कॉर्पियो कार का जो है ना लुप्त ले सकते हैं। गाइज बहुत ही जानदार कंडीशन में कार दिख रही है और मैं थोड़ा अंदर चल के आपको दिखाना चाहूंगा गाड़ी, क्योंकि अंदर से भी थोड़ा बाहर से आपको मैं दिखाई चुका हूं। थोड़ा अंदर चल के देखिए, ये रहे पीछे के सीट कवर्स, पीछे की कंडीशन। तो गाइज बहुत ही जानदार कंडीशन है पीछे की तरफ और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी आपको जो है ना स्पीकर्स लगे हुए हैं पीछे की साइड और कोई भी डैमेजिंग है नहीं किसी भी टाइप की। ये है गाड़ी के सीट कवर्स जिनके ऊपर से कवर डले हुए हैं ऑलमोस्ट। और पीछे की तरफ एसी जो है वो रनिंग कंडीशन में है। और थोड़ा चलेंगे अब आगे की तरफ, तो आगे चल के देखते हैं। और आगे चल के देखिए, ये देखिए दोनों सीट कवर्स जो है ना जेन्युइन है। आगे बहुत ही जानदार कार है बॉस, मैं तो कहूंगा फटाफट। ओनर ने मुझे एक्चुअली दिल्ली से ही आज ही मॉर्निंग में ये अपनी कार भेजी हुई है और इसका जो देख रहे हैं आप पूरी पावर स्टेयरिंग और यहीं पे आपको हॉर्न भी दिया गया है और साथ साथ जो है ना पावर विंडोज हैं इनका बीच में इसके लिए ऑप्शन होता है और साथ साथ एसी जो है वो रनिंग कंडीशन में, पूरे सीट कवर्स जेन्युइन है गाड़ी के। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बहुत ही अच्छी जानदार कार है, फटाफट इस गाड़ी को परचेज करें। अब आते हैं फटाफट इंजन पे। देखिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं जितना ज्यादा गाड़ी जो है ना बाहर से दिखने में अच्छी उतनी अच्छी इंजन से भी होनी चाहिए। इंजन में यहाँ पे परफेक्ट दिख ही रहा है। इंजन में हमेशा ज्यादा से ज्यादा चेकआउट किया करिए इंजन की बैटरी में अगर कोई भी डैमेजिंग जो है ना कोई भी कार्बन जमा ना हो ये हमेशा चेकआउट कर लिया करिए, क्योंकि बैटरी पे अगर कार्बन जमा हुआ तो भैया स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पे हमें बैटरी न्यू नजर आ रही है और इंजन नंबर को हमेशा अपने डॉक्यूमेंटेशन से मैच किया करिए, जैसे कि आप पकड़ सकते हो कि भैया यही जो गाड़ी में इंजन रखे आया था वही इंजन है या दूसरा तो इंजन नहीं है। तो ये सारी चीजें चेकआउट करने के बाद ही गाड़ी परचेज किया करिए। तो गाइस पूरी गाड़ी की कंडीशन दिखा चुका हूं ऑलमोस्ट और फटाफट बात करते हैं ऑनर से चल के। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार भाई सर। नमस्कार सर, पुरानी गाड़ी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए सर, आपने अपनी स्कॉर्पियो जो कार भेजी है ये कौन सा मॉडल नंबर है? ये 2009 मॉडल है। अच्छा, ये सेकंड ओनर कार है? सेकंड ओनर है फर्स्ट ओनर कार है? ना सेकंड ओनर है, मेरी नाम है जी, मैं लेके आया था उसके बाद मेरी नाम है बस। ओके अच्छा ये बताइए जो गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह? सर कोई कमी नहीं है, एक खाली टायर कमजोर है हल्का सा। ओके बाकी की एक बोल्ट भी नहीं डलवाना, एसी सर्विस सारी चीज, कोई गलाव नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके अच्छा एक मुझे ये एक और बताइए कि अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सर यू वृंदावन। सुना है तुमने वृंदावन? वृंदावन सुना है। वृंदावन से मेरा गांव माठ पड़ता है 5 किलोमीटर। कौन सा गांव है आपका? माठ। माठ माठ माठ। ओके वृंदावन से 5 किलोमीटर पीछे हटके। ये किसके नाम कार है? ये कार के ओनर का नाम क्या है? मेरा नाम दिलसाद है। दिलसाद? हाँ। ओके दिलसाद जी, तो अब ये बताइए कि आपने फाइनल प्राइस क्या रखा है इसका? इसका मैंने 2.75 रखा था, लेकिन 2.5 लाख में मुझे लास्ट बताया गया कि 2.5 लाख तक आप दे सकते हैं। 2.5 लाख में छोड़ दूंगा। अच्छा और इससे कम जा सकते हैं? नहीं नहीं सर इससे कम नहीं आ पाऊंगा, मेरे जो मेरी प्राइस थी ऊपर चाहे मेरे जाने तुम कितने की बेचना मुझे 2.5 दे देना, 2.5 में मैं तुम्हें 2,000 रुपये और दे सकता हूँ। सर 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, मैं तो आपका ही नंबर ना अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, तो ऑलमोस्ट लोग आपको ही कॉल करेंगे। जी सर ठीक है ना, मुझे उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, मैं तो केवल एक ना आपको लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ,
जिससे कि उन लोगों का बेनिफिट हो पाए जो लोग कार लेने के उनका सपने पूरा कर पाए, लोग अपना सपना पूरा कर पाए कार लेने का। तो ऑलमोस्ट मैं जो ना डायरेक्ट आपका ही नंबर डालूंगा, लोग आपको ही डायरेक्ट कॉल करेंगे, उन्हें ही आप बुलाइए और वो आपकी कार आके देखेंगे और उसके बाद आप अपनी कार को सेल आउट करिए। अच्छा जी, ठीक है ना सर? ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो गाइज ये थे मेरे साथ कार के ओनर, और आप फटाफट अगर आप इनकी कार परचेज करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो फटाफट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और फटाफट वहां से नंबर लीजिए ओनर का, इनको कॉल लगाइए और फटाफट इस स्कॉर्पियो के अपने घर ले जाइए मात्र 2.5 लाख रुपए में। बॉस बहुत शॉकिंग प्राइस है और बहुत ही अच्छी कार है। एक बार आपने देख ही चुके हैं गाड़ी की कंडीशन और सारी। अगर आप भी कोई अपनी कार सेल आउट करना चाह रहे हैं तो फटाफट पुरानी गाड़ी वाले नंबर पे अपनी कार की पिक्चर को व्हाट्सअप करिए और प्राइस डालिए और उसकी सारी इंफॉर्मेशन सेंड करिए, और फटाफट जो है ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फिर वो वीडियो बना के अपलोड करूंगा जिससे कि आपकी कार 24 आवर्स के अंदर सेल आउट हो जाएगी। बॉस मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को ये कार चाहिए है, सेकेंड हैंड कार की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज प्लीज उसे सजेस्ट करिए puranigaadi.com चैनल। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।